जमीयत उलेमाए हिंद के महाधिवेशन में उस समय भारी बवाल खड़ा हो गया जब जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महाधिवेशन के मंच से संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना कर दी। मौलाना मदनी ने कहा, दुनिया के तमाम मुल्कों में मस्जिदें तोड़ी गईं, तोड़ने वालों को लगा कि इस्लाम की मैयत निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म को ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता है। देश में जब भाजपा की हुकूमत आई तब भी हमने यह नहीं सुना कि मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापसी करनी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं। बदकिस्मती से वो लोग न मुल्क के बारे में जानते हैं और न ही मजहब के बारे में समझते हैं। मदनी ने अपने भाषण में कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। मदनी के इस कथन का मंच पर बैठे जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही जैन मुनि लोकेश सहित मंच पर उपस्थित अन्य धर्मगुरुओं ने जमीयत उलेमाए हिंद का मंच छोड़ दिया। नाराज धर्मगुरु अरशद मदनी के उस कथन पर आपत्ति जता रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, उनकी इबादत करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही मदनी ने यह भी कहा कि मुल्क में हम और आप हैं, हमारे गांव हैं, दरगाह हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर साथ में रहते हैं। हम कभी भी किसी को अपना मजहब, अपना दीन छोड़कर इस्लाम अपनाने की बात नहीं करते हैं और न ही उसके लिए दबाव डालते हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने बीते 3 दिनों से चल रहे अपने आम अधिवेशन में आज इस बात का भी ऐलान किया कि जमीयत भूकंप आपदा की मार झेल रहे तुर्की को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। इस संबंध में जमीयत के जनरल सेक्रेटरी हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस बुरे वक्त में तुर्की के साथ हैं और हम हर तरीके से भूकंप पीड़ितों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।